राधे जलानित शांत उपासित छांदोग्योपनिषद 3.14.1 तदाई क्षत छांदोग्योपनिषद 6.2.3 सा आई क्षत आई तरुपनिषद 1.1.1.1.1.3.1.3.1 सही छान चक्रे प्रश्नोपनिषद 6.3 सही छत बृहदारण्य को उपनिषद 1.2.5 ईशा माया नारसिंही सर्वमिदं सृजति सर्वमिदं रक्षति सर्वमिदं संघरति तस्मान् मायामेतां शक्तिं विद्यात् नृसिंहतापनीयोपनिषद 3.1 ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं। और वेदांत में जब प्रश्न किया पहला ब्रह्म सूत्र अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा कि ब्रह्म क्या होता है, भगवान क्या होता है, किसे कहते हैं, तो दूसरा सूत्र बना दिया जन्माद्यस्य जता, जिससे संसार उत्पन्न हो, जिससे संसार की रक्षा हो, जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम ब्रह्म। 1.1.2 और भागवत में भी जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरत चार्थेष्वभिज्ञस्वराट प्रारंभ में तो इस संसार का बनाने वाला, प्रकट करने वाला, और आपको हमने बार बार बताया है, भूलेंगे नहीं, कि कुछ नया नहीं बनाया भगवान ने, ये प्रकट किया है। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत 5.7 नारायण उपनिषद, जैसा पहले संसार था वैसे ही प्रकट कर दिया। प्रजा सृज यथा पूर्वम भागवत, तीन 9.43 जैसा पहले था ठीक उसी प्रकार प्रकट कर दिया। और पहला कैसे था, अपने अपने कर्म के अनुसार जैसा था, और कर्म भी अनादि जन्म भी अनादि। वेदांत में डिटेल में इसका निरूपण किया गया है। दो 1.34 दो 1.35 में तो भगवान की अनंत परिभाषाएं हैं। प्रमुख है वो आनंद है और सृष्टि आदि करता है, कोई महापुरुष सृष्टि नहीं करता, और बाकी तो अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं, और सब नित्य हैं। लेकिन भगवान के जो दो स्वरूप हैं, उसमें एक स्वरूप में
सब शक्तियां प्रकट नहीं होती ब्रह्म में, अव्यक्त शक्तिक ब्रह्म कहलाता है। और सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण में सब शक्तियां प्रकट होती हैं, ये भेद है। ब्रह्म में भी सब शक्तियां हैं, बार बार मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझाया है, प्रकट नहीं होती। वो बोरे में रहने वाले गेहूं में वो डाल पत्ते फल सब है, लेकिन वो प्रकट नहीं होते। प्रकट होने वाला स्वरूप श्री कृष्ण का है। हम इसीलिए बोलते हैं कि हम श्री कृष्ण के अंश हैं, इसलिए श्री कृष्ण को ही चाहते हैं, यानी आनंद ही चाहते हैं। इसलिए वाल्मीकि जी ने चैलेंज किया, कितना बड़ा चैलेंज, लोके नहि सविद्येत जो न राम मनोव्रतः। संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो हमारे राम का भक्त न हो, क्योंकि आनंद के सब भक्त हैं और आनंद ही राम है, कृष्ण है, तो सब राम कृष्ण के भक्त हैं। अब वो नहीं प्राप्त कर सके, कोई रीजन हो, लेकिन चाहते हैं उन्हीं को, उन्हीं के लिए प्रतिक्षण प्रयत्नशील है, उनको पाने के लिए जो साधन हमारे पास हैं, वे सब माइक हैं। इसलिए वेदों ने कहा तुम को कुछ करना है तब उनकी कृपा होगी, तब वे अपनी शक्ति देंगे इंद्रिय मन बुद्धि में, तब तुम इंद्रिय मन बुद्धि से उनको प्राप्त कर सकोगे, तब माया का अत्यंता भाव होगा और आनंद की प्राप्ति होगी सदा के लिए। अतः जो कुछ करना होगा उस पर विचार किया गया, तो तीन ही चीज हम कर सकते हैं, सच्चित आनंद के अंश होने के कारण, कर्म, ज्ञान, प्रेम। तो कर्म पर विचार किया गया तो पता चला वेदों शास्त्रों के द्वारा कि कर्म अगर विधिवत करो, एक एक शब्द पर ध्यान दो, विधिवत, एक मंत्र के, एक शब्द के, एक अक्षर के, एक स्वर में गलती हो जाए तो यजमान का सर्वनाश हो जाएगा। इतने कड़े नियम हैं, जैसे संसार के लोग होते हैं ना, ऐसे ही देवता लोग हैं, वो हमारे ही भाई हैं। जैसे कोई साहब को उसका नौकर चाय पिलाता है, खाना खिलाता है, अब वो खाने में चीनी की जगह नमक डाल दे, चाय को देते समय चाय गिर जाए थोड़ी सी उसके हाथ पर, तो साहब क्या कहता है, निकल जा। हो, अरे साहब मैं 20 साल से आपकी सर्विस कर रहा हूं, कोई मैंने जान के डाला है क्या आपके ऊपर, है बहस करता है, कोई क्षमा नहीं करता संसार में।
ऐसे देवता लोग हैं, उनके सब नियम हैं, कायदे हैं। कौन देवता क्या कपड़ा पहनता है, क्या खाता है, हर चीज अलग अलग है सबकी। वैसे ही करना पड़ेगा, जरा सा गड़बड़ किया तो दंड मिलेगा। और अगर विधिवत कभी कोई कर ले तो स्वर्ग मिलेगा। वहां भी माया, वहां भी अज्ञान, वहां भी दुख, वहां भी काम क्रोध लोभ मोह, और वहां भी लिमिटेड सुख, सीमित सुख, और कुछ दिन के लिए ही। तो क्यों जी, भगवान ने वर्णाश्रम धर्म की बड़ी तारीफ की है और कहा है कि श्रुति स्मृति ममै भाग्ये यस्तु उल्लंघ्य वर्तते आज्ञोच्छेदी मम द्वेषी। अगर वर्णाश्रम धर्म को कोई छोड़ेगा तो मेरा दुश्मन है, मैं दंड दूंगा। मैंने बनाया है वर्णाश्रम धर्म, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। अर्जुन, ये चार वर्ण जो बनाए हैं हमने बनाए हैं, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और ये मेरी भक्ति करने वाले इसका उल्लंघन करेंगे तो दंड मिलेगा। वो क्यों जी, अगर हम आपकी भक्ति करेंगे तो आपकी एक शर्त है, क्या? एव तमेव शरणं गच्छ मामेकं शरणं ब्रज अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम अनन्यचेता सततम् सर्वभावेन भारत। एक मेरे में ही मन रहे, फिर देवताओं में मन करेंगे तो अनन्य नहीं रहेंगे। तो भगवान ने कहा हाँ ठीक कहते हो। देखो ऐसा है कि आज्ञा एवं गुणान दोषान मया दिष्टान पिस्वकान धर्मान संत्यज्य जस सर्वान माम भजेत सच सत्तम। 11:11:32 ऐसा है मेरा कानून कि अगर वर्णाश्रम धर्म का त्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाए तो मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा, फिर दंड नहीं दूंगा। और अगर वर्णाश्रम धर्म को त्याग करके मनमाना हो जाए उच्छृंखल तो दंड दूंगा। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन पक्वोथ पते ततो यदि। नारद जी कहते हैं अगर कोई धर्म वर्म को छोड़ के और भगवान की शरण में जाए और बाई चांस उसका पतन हो जाए बीच में तो भगवान संभाल लेते हैं, इसलिए डरो मत। ये तो जब बच्चा चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, पहले एकदम दौड़ने नहीं लगता कोई, पहले घुटने के बल चलेगा, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखेगा, फिर लटपटाते चलेगा, फिर दौड़ने लगेगा। तो ऐसे ही अगर पतन होता भी है तो इससे घबराओ नहीं,
1:5:17 ये वर्णाश्रम धर्म इतना लंबा चौड़ा लिखा है वेदों ने, स्मृतियों ने, महाभारत ने, हाँ यशा श्रियामेव परिश्रम परो वर्णाश्रमाचार तपस्त्रुतादिषु। ये लोग महामूर्ख हैं जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। क्यों, क्या मिलेगा इससे? यशा, प्रतिष्ठा होगी, नाम होगा, संसार मिलेगा खूब सारा, वैभव अरबपति बनेंगे अगले जन्म में। इसी के लिए, अरे संसार मिलेगा वो तो और हानिकारक है। भगवान तो कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं संसार छीन लेता हूं। तम भ्रंशयामि संपद्यो जस्य चेच्छा मनुग्रहम्। मैं जिस पर कृपा करता हूं संसार छीन लेता हूं। यस्याहम अनुगृह्णामि हरिश्चे तद्धनम् शनैः। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका वैभव छीन लेता हूं। इसीलिए कुंती ने वर मांगा था। विपदस्सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिरेधमान मद पुमान नैवार्हत्यभिदातुं वै त्वामकिंचन गोचरम। 1:8:25, 1:8:26। हे भगवान, श्री कृष्ण के सामने खड़ी होकर वर मांग रही है, हमारा संसार जो कुछ है छीन लो। क्यों? अगर संसार की एक भी चीज किसी के पास अधिक है, खाली रूप, खाली एक धन, कोई एक कला, गाना अच्छा जानता है, कोई एक चीज है अधिक, तो लोग घेरेंगे, अरे साहब वो आया है गवैया, अरे वो आया है चलो देखें उसको। अरे क्या देखोगे भैया, कान नाक तो है ये जो तुम्हारे, अरे इतनी बड़ी गवैया है, अरे ठीक है गवैया है, हजारों की भीड़। अब उसको जब देखा भीड़ को, हम भी कुछ है, भगवान के बाद हमारे ही नंबर है। सबको ऐसे फीलिंग होती है, अरे युवावस्था में तो धन भी ना हो, गुण भी ना हो, अंगूठा छाप हो, वो धोबी ऐठ के चलता है वो लड़का वो लड़की। विद्वान ने लिखा कि प्राप्ते तो षोडशे वर्षे गर्दभी चाप सरायते। 16 वर्ष की उम्र में गधी भी अपने को अप्सरा मानती है। गधी वो धोबी वाला। एक स्त्री को, लड़की को कोई देवता मिल गया, कहीं जा रहा था तो उसको मजाक सूझा, उसने कहा ओ बिटिया इधर आना। आई
उन्होंने कहा मैं देवता हूं, मुझसे वर मांग ले। वर मांग ली। वो 16-18 वर्ष की थी। उन्होंने कहा मुझे वर नहीं चाहिए, जो तुम्हें देना हो दे दो। तुमने कहा कि सुंदर बना दूं, तो उसने एक झापड़ लगाया, मैं कुरूप हूं क्या? मेरे पीछे लड़के घूमते रहते हैं 3-4,